हेलो गाइस, मैं उलीशा, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, अगर हमारे घर में कॉकरोच आ जाए तो पूरा परिवार उसको या तो मारने में लग जाएगा या फिर उसको घर से बाहर भगाने में लग जाएगा। लेकिन रूसी देश साइबेरिया के क्रास्नोवार्स के लिम्पोपो में एक आदमी ने कॉकरोच को पाला हुआ था। ये कॉकरोच गर्भवती थी लेकिन इसका कोकून बाहर नहीं निकल पा रहा था। कॉकरोच को आ रही दिक्कत को देखते हुए उसके मालिक ने तभी उसे लेकर एक वेटरनरी क्लिनिक में चला गया, जहां डॉक्टर भी हैरान रह गए। लेकिन कॉकरोच का इलाज करने से उन्होंने मना नहीं किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने कॉकरोच की सर्जरी कर गर्भवती माँ की जान बचाई और उसके कोकून को सुरक्षा दी। दरअसल पालतू मादा कॉकरोच अपने कोकून को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। काफी देर से वे इस दिक्कत में थी। डॉक्टरों ने पहले कॉकरोच को लोकल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा और दर्द की दवा दी और इसके बाद डॉक्टरों ने कोकून को बाहर निकाला। डॉक्टरों का कहना था कि अगर थोड़ी देर और होती तो इन्फेक्शन का खतरा था, जिससे कॉकरोच और कोकून दोनों खत्म हो जाते। कोकून निकालने को थोड़ी देर बाद ही कॉकरोच सामान्य हालत में आई और चलने फिरने लगी। कॉकरोच का मालिक डॉक्टरों के इस रवैये से बेहद भावुक हुआ। इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।